हेलो गाइस वेलकम बैक टू के टू के मोटो ब्लॉग्स सो ये है बजाज की ओल न्यू पल्सर एन वन सिक्सटी चैनल ई बी और आज की इस वीडियो में हम इस बाइक का डिटेल रिव्यू करेंगे क्या इस बाइक का रोड प्राइस है कैसे बाइक के अंदर फीचर्स हैं कैसा बाइक का एक नोट है बाइक की सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं इस बाइक के एक्शो शोरूम प्राइस के बारे में पल्सर एन वन सिक्सटी के अंदर आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे जिसमें सिंगल चैनल एबीएस वेरियंट का एक शोरूम प्राइस है वन लैक ट्वेंटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड और इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा वन लैक फोर्टी एट थाउजेंड के आसपास बाइक के डुबल चैनल एबीएस वेरियंट का एक शोरूम प्राइस है वन लैक ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड और इसका ऑन रोड प्राइस आपको मिलेगा वन लैख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड के आसपास एन वन सिक्सटी के अंदर आपको चार कलर्स मिलेंगे जिसमें फर्स्ट है ब्रुकलिन ब्लैक सेकंड है टेक्नोग्री थर्ड है करेबियन ब्लू और फोर्थ है रेसिंग रेड लेकिन बाइक के डुअल चैनल ई वाले वेरिएंट में आपको एक ही कलर मिलेगा जो है ब्रुकलिन ब्लैक और यह बाइक का कलर देखने में काफी ज्यादा अच्छा है सबसे बेस्ट कलर इस बाइक का ब्रुकलिन ब्लैक है जिसका ऑन रोड प्राइस आपको दिल्ली में वन लैक फिफ्टी सिक्स थाउजेंड के आसपास पास मिलेगा सब so, हम स्टार्ट करते हैं बाइक के वोक राउंड के साथ सो so, बाइक के साथ में आपको ये दो की मिल जाएंगी जिसके ऊपर बजाज का लोगो है बाइक का फ्रंट डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा है जिसमें ट्रांसफॉर्मर टाइप का फ्रंट लुक दिया गया है बाइक में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट है जिसके में डे टाइम रनिंग एलईडी डी से और फ्रंट से देखने में बाइक के लुक्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं करंटली ये बाइक 160 सीसी सेगमेंट में वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग मशीन है जिसके फ्रंट लुक्स तो सबसे बेस्ट हैं इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन मिलेगी जिसका ब्रुकलिन ब्लैक कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है बाइक के एलईडी डी की शेप काफी अच्छी है और यहाँ पे साइड में आपको रेड कलर की और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से बाइक की हेडलाइट के काउल का डिजाइन का काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे नीचे की तरफ भी आपको रेड और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है फ्रंट मड के ऊपर और फ्रंट मट का डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है जो देखने में काफी शार्प लग रहा है बाइक के अंदर फ्रंट में कन्वेंशनल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और यहाँ पे आपको ड्यूबल चैनल ईबीएस की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है क्यूँकी इस बाइक के अंदर डूल चैनल आता है जो इस सेगमेंट में आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा करेंटली बाइक इंडियन टूलर मार्केट में 160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में इकलौती ऐसी मशीन है जिसके अंदर चैनल दिया गया है बाइक में साइड में आपको दोनों तरफ रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे काफी अच्छी डिस्क ब्रेक है जिसके साथ में एबीएस की रिंग भी है बाइक के अंदर फ्रंट में 300 हंड्रेड mm एम की डिस्क ब्रेक है और बाइक के एलोवेल्स का डिजाइन भी काफी अच्छा है और टायर्स के बारे में बात करें तो बाइक में फ्रंट में 100 पॉइंट एटी सेक्शन का टायर है जो कि काफी अच्छा सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर है 17 इंच का इस बाइक के अंदर फ्रंट व्हील है और बाइक के अंदर ग्रीमेका के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं सो फ्रंट से देखने में बाइक काफी प्यारी लगती है जिसमें ट्रांसफॉर्मर टाइप का फ्रंट लुक और फ्रंट मटगार्ड के ऊपर जो शार्प डिजाइन दिया गया है वो भी काफी अच्छा लग रहा है अब बात करते हैं बाइक की साइड प्रोफाइल के बारे में तो बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर पल्सर का थ्री लोगो है जो ब्लैक कलर के अंदर दिया गया है बाइक के टैंक टैंक साइड पैनल्स का डिजाइन काफी एग्रेसिव है, काफी अग्रेसिव है शार्प लुकिंग है। और इसके ऊपर भी आपको रेड और व्हाइट कलर की स्ट्रिप देखने को मिलती है फ्यूल टैंक के ऊपर आपको ग्रे और पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पे भी साइड में आपको रेड और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने को मिलती है जो काफी छोटी है बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी फोर्टीन लीटर की है जो सेगमेंट में सबसे बेस्ट है और इस बाइक के अंदर आपको 45 फाइव टू फिफ्टी के एम के आसपास की माइलेज भी बड़े आराम से मिल जाएगी सो so, एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद इस बाइक के साथ आप 650 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़े आराम से कवर कर सकते हो सो so, बाइक की फ्रंट प्रोफाइल भी काफी अच्छी है साइड प्रोफाइल भी देखने में काफी अच्छी है और अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में तो बाइक में 164.82 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड टू वालो इंजन है जिसकी पावर है सिक्सटीन पी एट 8750 आरपीएम टॉर्क आउटपुट है 14.65 न्यूटन मीटर एट सिक्स रो आरपीएम बाइक के अंदर फाइव स्पीड गियर बॉक्स है सेगमेंट के अकॉर्डिंग बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसका इनिशियल और पिकअप काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और बाइक की मिड एंड रेंज भी काफी अच्छी है बाइक में आपको इंजन काउल भी मिल जाएगा नीचे की तरफ जो इंजन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये है बाइक का न्यूली डिजाइन एनोलॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर स्पीडोमीटर गियर पोजीशन इंडिकेटर टाइम फ्यूल गेज ट्रिप मीटर टेकोमीटर ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी है यानी कि बाइक के लगा हुआ है तो फिर बाइक नहीं जब तक आप साइड स्टैंड नहीं हटाओगे के इंडिकेटर के भी है।, बाइक का का है जो देखने में भी काफी अच्छा लगता है और बाइक के हैंडल बार के ऊपर आपको लो बीम हाई बीम टर्न इंडिकेटर स्विच हॉर्न बटन पासिंग स्विच ये सभी कंट्रोल मिल जाएंगे और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच हजार लाइट स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है बाइक के हैंडल बार की भी क्वालिटी काफी अच्छी है जो पूरा ब्लैक कलर का दिया गया है और बाइक का एक और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इसके अंदर बिल्ट इन यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है जो इस सेगमेंट की बाइक्स के अंदर आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है सो इसकी वजह से आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो चार्ज कर सकते हो ये फीचर इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है डुअल चैनल ईवीएस वाले वेरियंट में बाइक के रियर व्यू मिरर्स की भी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है इनसे पीछे का व्यू भी काफी अच्छा आता है फ्यूल टैंक की दूसरी साइड भी आपको रेड और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स देखने

और बाइक का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल दिया गया है बाइक में आप राइट राइडिंग पोस्चर है इस बाइक को आप सिटी में भी कंफर्टेबली राइड कर सकते हो और बाइक के साथ लॉन्ग हाईवे राइड्स भी, भी कंफर्टेबली कर सकते हो यानी कि ये बाइक टूरिंग करने के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है पिलियन सीट के ऊपर आपको पल्सर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और बाइक में स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स है जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है पीलियन कंफर्टेबली बैठ के ग्रैब रेल्स को होल्ड कर सकता है रियर प्रोफाइल पे आपको एन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी जिसमें एन वाइट कलर में है और उसके पीछे रेड कलर और व्हाइट कलर की स्ट्रिप देखने को मिल जाती है और एन वन सिक्सटी की बैजिंग आपको रियर लुक्स में दोनों तरफ देखने को मिलेगी यहाँ पे बाइक के अंदर साड़ी गार्ड भी दिया गया है जो आजकल सभी बाइक्स के अंदर मैंडेटरी हो चुका है बाइक के फूड पैक्स की भी क्वालिटी काफी अच्छी है बाइक में आपको रियर टायर हगर भी मिल जाएगा और बाइक के अंदर आपको काफी कॉम्पैक्ट साइज के हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे यहाँ पे पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और उसके ऊपर हेलोजन लाइट दी गई है जो बाइक की नंबर प्लेट के लिए है बाइक में काफी शार्प डिजाइन वाली एलईडी टेल लाइट है जिसका डिजाइन एकदम एन टू के जैसा है एलईडी टेल लाइट पीछे से देखने में काफी अग्रेसिव लगती है जिसकी वजह से बाइक के रियर लुक्स काफी प्यारे आते हैं बाइक में पीछे की तरफ आपको टू थर्टी एम की डिस्क ब्रेक मिलेगी और पीछे की तरफ बाइक में एबीएस रिंग भी है क्योंकि बाइक के अंदर डुअल चैनल एबीएस स्टैंडर्ड दिया गया है और बाइक में वन थर्टी अपॉन सेक्शन का काफी अच्छा सुपर वाइट ट्यूबलेस टायर है जो की सेवेंटी इंच का व्हील है सो फ्रंट और रियर में दोनों ही बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्यर है और बाइक के एलोवेल्स का डिजाइन भी काफी अच्छा है और इस बाइक का एक और सबसे बेस्ट पार्ट है कि इस बाइक में फर्स्ट इन सेगमेंट अंडर एक जो सिस्टम दिया गया है बाइक का जो नोट काफी अच्छा है और अंडर एक जो सिस्टम बाइक के लुक्स को और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है बाइक में पीछे की तरफ एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है बाइक का सस्पेंशन सेटअप ब्रेकिंग सिस्टम दोनों ही चीजें काफी अच्छी है और बाइक के डाइमेंशंस के बारे में अगर बात करें तो इसका वेट है वन फिफ्टी टू के जी सीट हाइट है सेवन नाइन्टी फाइव एम ग्राउंड क्लियरेंस क्लियरेंसाइव मैम बाइक की टैंक कैपेसिटी फोर्टीन लीटर्स की है और इस बाइक में आपको 50 के, के आसपास की माइलेज मिलेगी सो दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स बजाज की पल्सर एन वन सिक्सटी के बारे में इस बाइक का ड्यूबल चैनल ई बी एस वेरियंट आपको देखने में कैसा लगा अगर आप इस बाइक को परचेज करने वाले हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सो इस वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो सो so, मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ